Good afternoon, dear friends. How are you, brother? How are you, brother? अच्छे से सभी चलो बेटा वीडियो को विजिबल कीजिए जल्दी से विजिबल करें बेटा वीडियो को वेरी गुड अपना बेटा जो टॉपिक चल रहा है कल अपने बेटा टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखे बेटा कल अपने बेटा टाइप्स ऑफ मिनरल्स देख दे खनिजों के प्रकार एनी डाउट बेटा एनी डाउट एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बेटा ओके बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ माइनिंग ब्लड मीन्स होता है खनिज निष्कर्षण खनिज निष्कर्षण खनिज निकालने के तरीके बेटा खनिज निकालने की विधियां भूमिका शिखर गुड आफ्टरनून बेटा नेहा यादव गुड आफ्टरनून एवरीवन खनन या बेटा खनिजों को निकालने के तरीके खनिजों को निकालने की विधियां अलग अलग होती है बेटा अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स को निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं और अपने को क्या करना है बेटा उन्हीं मेथड्स को समझना है उन्हीं मेथड्स को क्या करना है बेटा अपने को समझना है इसके लिए बेटा आपके तीन मेथड हैं इसके लिए कितने मेथड हैं बेटा तीन हैं एक तो होता है आपके माइनिंग फर्स्ट कौन सा होगा बेटा माइनिंग सेकेंड होता है बेटा ड्रिलिंग सेकेंड कौन सा होता है ड्रिलिंग सर व्हाट विल कम इन आवर टेस्ट बेटा आपके टेस्ट में चैप्टर फर्स्ट आने वाला है ठीक है चैप्टर फर्स्ट से बेटा आपके 10 क्वेश्चन होना है ऑब्जेक्टिव टाइप ओके चैप्टर फर्स्ट से बेटा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में 10 क्वेश्चंस होने हैं वही आने वाला है अच्छे से चैप्टर को प्रिपेयर करना ओके बेटा थर्ड बेटा आपके क्यूरिंग थर्ड का मतलब आपके क्यूरिंग फिर माइनिंग होती है बेटा टू टाइप्स में माइनिंग कितने टाइप्स में होती है बेटा टू टाइप्स में ओपन कास्ट और शाफ्ट
या सैटरडे। अंजलि बेटा संडे को ही है बेटा, समझ में आ रहा बेटा? नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा बेटा। यहां तक तो इन वर्ड्स के साथ तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा बेटा। समझे बेटा? ओपन फास्ट होता है, खुली खुदाई। माइनिंग मीन्स बेटा खनन, ड्रिलिंग, परवेदन, आखनन या उत्खनन बेटा। इतना ही था बेटा, आखनन का ध्यान रखिए। सेफ्ट होता है कूप की, सेफ्ट का बेटा कूप की। बेटा खानों के द्वारा धन, ध्यान से सुने बेटा तभी आपके समझ में आएगा ये टॉपिक। खानों के द्वारा जब अपन खुली खुदाई करके और खनिजों को बाहर निकालते हैं, ठीक है, माइंस के द्वारा बेटा खुली खुदाई करके और जब अपन बेटा खनिजों को बाहर निकालते हैं तो वो कहलाता है खुली खुदाई। और कूप की वो क्या कहलाता है बेटा? खानों को खोद करके, खानों को खोद करके और खनिजों, खानों को खोद करके और खनिजों को बाहर निकालना, ठीक है बेटा। खानों को खोद करके और खनिजों को बाहर निकालना ये तो कहलाता है बेटा माइनिंग या खनन, ठीक है। नेहा यादव सर आप कौन सी बुक में से पढ़ा रहे हैं बेटा? आपके सिलेबस की बुक है जो गवर्नमेंट बुक है उसी से पढ़ा रहा, ठीक है। एक होती है बेटा खुली खुदाई। आपने कभी जो आपके मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं, पोटर होते हैं, कुंभकार होते हैं बेटा, जो मिट्टी के घड़े बर्तन बनाते हैं, उनको खुदाई करके मिट्टी निकालते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। वो क्या करते हैं, चौड़ में से 3-4-5 या मैक्सिमम 8-10 फीट तक की गहराई तक वो मिट्टी निकालते हैं। आपने बेटा रोड के ऊपर देखा है, जो अपन घर बनाते हैं, खेत बनाते हैं, तो अपन मिट्टी डलवाते हैं भरत करवाने के लिए। मकान अगर किसी के घर हो तो भरत करवाने के लिए बेटा मिट्टी डलवाते हैं। वो टीलों में से ऊपर से खोद करके निकाली जाती है मिट्टी को, टीले जो होते हैं, मिट्टी के जो टीले होते हैं, सैंडल्स होते हैं, वहां से मिट्टी खोद करके भरी जाती है और आपके घर पे डाल दी जाती है बेटा। वो खुली खुदाई है, उसको बोलते हैं ओपन कास्ट। उसे क्या कहते हैं बेटा? ओपन कास्ट। क्लियर बेटा? क्लियर। जब भूमि की सतह के आसपास, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होता, जब भूमि की सतह के आसपास खनिजों को खोद करके निकाला जाता है, मिनरल्स को बेटा खोद करके निकाला जाता है, तो उसे ओपन कास्ट कहते हैं, खुली खुदाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? खुली खुदाई या ओपन कास्ट कहते हैं। लेकिन जब वह खुदाई गहराई में चली जाती है, जब वो खुदाई बेटा गहराई में चली जाती है तो उसे कहते हैं कूप की। कूप की मीन्स होता है कुएं की तरह। अब कुएं तो गहरे होते हैं बेटा, कुएं तो गहरे होते हैं बेटा। कूप की मीन्स क्या होता है? कुएं की तरह। अगर आपने जहां से बजरी निकलती है, ठीक है, जहां से बजरी निकलती है बेटा, मेरे गांव से बहुत निकलती है पवाना अहिर से, वहां से बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बेटा बजरी निकालने वाले लगे हैं और उन्होंने 80-120 फीट तक गहराई से बजरी निकालने का काम कर लिया है, ठीक है। 100-120 फीट तक गहराई से बेटा वो बजरी का खनन कर रहे हैं। आप ऊपर से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि अगर गिर गए तो कुछ नहीं बचना इसमें से। ऐसी जो
खुदाई होती है बेटा। ऐसे जब खनन निकाले जाते हैं, जब आप गहराई में तक पहुंच जाते हैं, बहुत गहराई तक आप पहुंच जाते हैं, तो वो खनन क्या कहलाएगा बेटा? कूप की खनन कहलाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं, जो आपका बिरला फैक्ट्री आपने देखी है बेटा, या देखी नहीं है तो सुनी होगी, चौकी गोर्धनपुरा के पास है, मनपुरा में बिरला फैक्ट्री। वहां पे बेटा जब पहाड़ों से पत्थर निकालते हैं, तो बेटा पत्थरों को निकालते निकालते भूमि से पानी आ गया, ठीक है बेटा, इतनी गहराई तक वो आ गया बेटा कि भूमि से पानी निकल गया। अपन बोतल पाताल तोड़, ठीक है, भीलवाड़ा की जरूरत नहीं हुई, ऑटोमेटिकली पानी निकाल लिया उन्होंने। वो कैसा बेटा? कूप की खनन। वो कैसा खनन है बेटा? कूप की। वापस समझो बेटा, ये आपके सरफेस है, जब आप सरफेस के ऊपरी हिस्से को यहां से बेटा आप खनन निकाल रहे हैं, या मैक्सिमम बेटा इसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा करके यहां तक अगर आप खनन निकालते हैं, सरफेस से बहुत ज्यादा आप गहराई में नहीं जा रहे बेटा, ठीक है, सरफेस से आप बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे, तो ये तो कौन सा बेटा? ओपन कास्ट। कौन सा कहना है बेटा? ये ओपन कास्ट। लेकिन जब आप खनिज निकालते निकालते बहुत गहराई तक चले जाते हो, बहुत गहराई तक चले जाते हो, यहां से मान लो बेटा आपके मिनरल साहब ने निकाल लिए, कुएं ऐसे तो होते नहीं, ठीक है बेटा, कुएं ऐसे तो होते हैं। ये क्या करा रहे बेटा आपके? कूप की। क्या करा रहे बेटा? ये कूप की। लेकिन कुछ खनन इतनी गहराई पे होते हैं, कुछ खनन बेटा इतनी गहराई पे होते हैं कि आप उनको कुओं की तरह खोद करके बाहर निकाल नहीं सकते, उन्हें बेटा अपन कुएं की तरह खोद करके और बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे आपका डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है बेटा, इन पदार्थों को निकालने के लिए अलग प्रकार के कुएं बनते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं ड्रिलिंग या परवेदन। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिलिंग या परवेदन, ठीक है बेटा। पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई तक ड्रिलिंग की जाती है, बारीक छेद किए जाते हैं, और उनमें फिर मशीनों के द्वारा बेटा आपके जो डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, उनको बाहर निकाला जाता है। होते गहराई में, लेकिन इनकी चौड़ाई नहीं होती बेटा, इनकी वाइडिंग नहीं होती, बल्कि कैसे होता है, बहुत सकरे होते हैं, नैरो होते हैं, बहुत क्या होता है बेटा? नैरो होते हैं, बहुत गहराई तक होते हैं। ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है बेटा? ये मेथड कहलाता है ड्रिलिंग। ये मेथड क्या कहलाता है? ड्रिलिंग कहलाता है। समझ में आ रहा बेटा? क्यूरिंग होता है उत्खनन, जब पृथ्वी की सरफेस के ऊपर ऊपर से जब मिनरल्स को निकाला जाता है, बहुत लंबे क्षेत्र में से बेटा जब पृथ्वी की सरफेस पर से ही आप मिनरल्स को निकालते हैं, तो वो कहलाता है क्यूरिंग। मुस्कान यादव सर, वी डू नॉट स्टडी चैप्टर फर्स्ट, ड्रिलिंग को दोबारा समझाना बेटा। चलो वापस समझो बेटा, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको आप कुएं की तरह गहरा गर्त बना करके और आप बाहर नहीं निकाल सकते, उसके लिए क्या करते बेटा? आपने बोरिंग देखी ना पानी के होते हुए, देखे ना बेटा, उसमें 4 इंची 6 इंची 8 इंची का पाइप होता है, ठीक है, और वो ड्रिलिंग ही होती है बेटा, ठीक है, ऐसे गड्ढा खोद के तो पाइप डालते नहीं, होता है ड्रिलिंग होती है, लेकिन उस ड्रिलिंग की गहराई कम होती है। लेकिन जब आप बेटा डीजल पेट्रोल निकालते हो, तो बहुत गहराई में आपको जाना पड़ता है, कई कई जगह तो 1-1 किलोमीटर तक की गहराई के अंदर आपको जाना पड़ता है। अपन यहाँ पे 120, 130, 160, 180 फुट पे पानी आ जाता है, अपनी खुदाई रुक जाती है, वहां पे बेटा आपको किलोमीटरों तक अंदर जाना पड़ जाता है। तो बारीक नैरो जो खुदाई होती है वो होती है ड्रिलिंग या परवेदन, डीजल पेट्रोल प्राकृतिक गैस निकालने के लिए। एवरीवन स्टूडेंट्स क्लियर बेटा? अलका बिठाला क्लियर बेटा? नेहा बेटा
चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। इसी में बेटा आपके ए आ जाएगा ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग बेटा। मिनरल्स that like at shallow depths are taken by removing the surface layer. This is known as नेहा यादव बेटा राइट नहीं किया था आपने रफ कर दिया एक्सपीरियंस होता बेटा ठीक है वो केवल आपको समझाने के लिए था ठीक है बेटा वो जो डायग्राम था आपको समझाने के लिए था ताकि आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ सको ओके बेटा Set, my brother.
हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट लाइ एट ग्रेट डीप्स This is called shaft mining. चलो बेटा जल्दी से राइट कीजिए, राइट करोगे जल्दी से. The process of taking out minerals from rocks buried under the earth's surface is called mining. पृथ्वी के अंदर से चट्टानों, पृथ्वी के अंदर की चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है. क्या कहलाता है भाई? खनन कहलाता है, माइनिंग कहलाता है. ओपन कास्ट माइनिंग बेटा, मिनरल्स दैट लाइज एट स्लो डिपेंस आर टेकन बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर. जब बेटा ऐसे खनिज जो भूमि से बहुत कम गहराई में हो या भूमि के ऊपर ही अवेलेबल हो, अर्थ सरफेस पर हो या अर्थ सरफेस से बहुत कम गहराई में, बेटा जहां पे पृथ्वी की केवल थोड़ी सी परत को हटा करके उनको बाहर निकाल लेते हैं, वो कहलाता है ओपन कास्ट माइनिंग. लेकिन जब बेटा आप डीपैक के अंदर बहुत गहराई के अंदर बेटा जा करके और खनिजों को निकालते हैं तो वह कहलाता था शाफ्ट माइनिंग. क्या कहलाता भाई वो? शाफ्ट माइनिंग. राइट हो गया बेटा? राइट हो गया बेटा? डन. डायग्राम बेटा, हर्षिता डन, आशीष डन, अंजलि शेखावत डन. ओके बेटा, जिनका राइट नहीं होगा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से. राइट नहीं हो पाया वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. टेक ए स्क्रीनशॉट.
सेकंड इज ड्रिलिंग, सेकंड इज ड्रिलिंग। और ड्रिलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? परवेधन। हिंदी में क्या बोलते हैं ड्रिलिंग को? परवेधन। Deep breaths are bold to take them out this age card drilling this is card क्यूरिंग मिनरल्स दैट लाइज near surface or simply dug out by the process known as curing. Right from the done बेटा, done
ओके बेटा, जो आपके बेटा माइनिंग मेथड्स हैं, क्लियर हो गए बेटा एवरीवन स्टूडेंट्स? क्लियर? माइनिंग, ओपन, सैफ, ड्रिलिंग एंड लास्ट इज क्यूरिंग। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन बताओ कि आपके टोटल डाइनिंग मेथड्स कितने हैं, टोटल माइनिंग मेथड्स कितने हैं, जल्दी से बेटा राइट करके बताइए, राइट करके बताइए टोटल माइनिंग मेथड्स कितने बेटा। पांच, अंजलि सिंह, पीयूष सेवन, हर्षिता सिंह फाइव, निशांत टू, नेहा फाइव, एक्यूरेट बेटा। आप में से कोई नहीं पूछ रहा क्या बात बेटा, वापस सुन लो, मैंने पूछा बेटा कि आपके टोटल माइनिंग मेथड कितने बेटा, माइनिंग मेथड आपके तीन ही हैं, माइनिंग है देन सेकंड कौन सा भाई आपके ड्रिलिंग और थर्ड कौन सा भाई क्यूरिंग, ओपन और कास्ट सेफ्ट बेटा। ये तो इसी के पार्ट है, ये तो माइनिंग के तो दो पार्ट बेटा, मेजर रूप से कितने हैं तीन ही बेटा, माइनिंग फर्स्ट, ड्रिलिंग सेकंड और क्यूरिंग थर्ड बेटा। कंफ्यूज कैसे हो रहे, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ओके नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे, इससे बेटर होगा नेक्स्ट टाइम।
of constituents of mineral जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए।